हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम गढ़ताल के लाइट एंड साउंड शो का किया लोकार्पण। कहा सुरक्षा की दृष्टि से राम गढ़ताल के समीप पुलिस चौकी की होगी स्थापना। गोरखपुर के लोगों को जल्द मिलेगी चिड़ियाघर की सौगात। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गोरक्षनाथ बाबा के किए दर्शन, की पूजा अर्चना, महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर टेका मत्था, लिया आशीर्वाद। राम गढ़ताल के लाइट एंड साउंड शो के लोकार्पण कार्यक्रम में पहुंचे सदर सांसद रवि किशन। का मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश का और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश विकास के मार्ग पर बढ़ते हुए हो रहा है नए भारत का निर्माण। फर्जी असलाह लाइसेंस के मामले में एडीएम सिटी ने किया लोगों से अपील। फर्जी लाइसेंस के मामले में एडीएम सिटी कार्यालय में 5 सितंबर तक दर्ज करा सकते हैं अपना बयान या साक्ष्य। जानकारी देने वाले का नाम रहेगा गोपनीय। प्रमुख सचिव आवास ने की जीडीए और मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। कहा गोरखपुर में दो रूटों पर दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव ने की विभिन्न परियोजनाओं के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक। परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूर्ण करने के दिए निर्देश। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के 50वें स्थापना दिवस के अवसर पर साप्ताहिक स्वर्ण जयंती समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। संस्था के संरक्षक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया जाएगा समापन। स्वर्गीय रविंद्र सिंह की श्रद्धा पूर्वक मनाई गई 40वीं पुण्यतिथि। बीजेपी विधायक शीतल पांडे ने कहा आज भी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं स्वर्गीय रविंद्र सिंह। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्रीय प्रबंधक लाल बच्चा झा को उनके ऑफिशियल मेल पर दी गई धमकी। सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने कहा जल्द किया जाएगा मामले का खुलासा। लखनऊ मेट्रो रेल कॉरपोरेशन तथा मेट्रो का डीपीआर बनाने वाली राइट्स के अधिकारियों ने प्रस्तावित मेट्रो रूटों के निरीक्षण के उपरांत बैठक कर आपस में की चर्चा। और स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के मकसद से निकाली गई जागरूकता रैली। प्रसव के दौरान महिलाओं की मृत्यु दर को रोकने के लिए किया गया जागरूक।